नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो कैमन 35G वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो कैमन 35G में 6.51 इंच जबकि 40 प्रो 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि कैमन 35G से कम है। विड्थ की बात करें तो कैमन 35G में 2.99 इंच जबकि 40 प्रो 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि कैमन 35G से कम है। बात करें थिकनेस की तो कैमन 35G में 0.31 इंच जबकि 40 प्रो 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि कैमन 35G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो कैमन 35G में 199 ग्राम जबकि 40 प्रो 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो कैमन 35G में LTPS AMOLED जबकि 40 Pro 5G में फ्लेक्सिबल AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2436px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कैमन 35G में 87.07% जबकि 40 प्रो 5G में 89.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो कैमन 35G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है। और 40 प्रो 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो कैमन 35G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 40 प्रो 5G की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो कैमन 35G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 40 प्रो 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही IMGBXM8-256 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Dimensity 7020 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो कैमन 35G में जबकि 40 प्रो 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो कैमन 35G 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें 40 प्रो 5G की तो वो 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 23,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो कैमन 35G में 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 40 प्रो 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Oppo Reno 11 5G है, तीसरा Samsung Galaxy A14 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco X6 Neo 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।